नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल के टाइम अगर यहाँ पे देखा जाए तो शेयर में वापस जो है मल्टीपल रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला, तेजी अच्छी खासी देखने को मिली। मैंने कहा आप लोगों को कल बताया था कि 90 पैसे पर कल जो है मार्केट क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा, वही यहाँ पे देखने को मिला। वजह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ देखने को मिलने वाली है। अब कमेंट ये देखने को मिल रहा है कि सर कल इस सप्ताह के एक्सपायरी पर मार्केट किस प्रकार का क्लोज यहाँ पे हो सकता है और चार्ट का क्या संकेत नजर आ रहा है, क्या कंपनी किस लेवल तक जो है रिकवरी यहाँ पे हो सकती है कल, और कंपनी जो है कर्ज मुक्त कब तक यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों जानकारी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है, क्वेश्चन भी आपने काफी अच्छे यहाँ पे पहुंचे हैं। तो फिलहाल दोस्तों अपडेट कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट तौर पर, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों आज की जो ओपनिंग थी वो दोस्तों अच्छी खासी तेजी के साथ देखने को मिली। कल की प्राइस पर ही आज की ओपनिंग देखने को मिली थी, जो 85 पैसे पर कल का मार्केट क्लोज हुआ था, और जो आज की ओपनिंग थी वो भी 85 पैसे के साथ ही देखने को मिली। गिरावट अगर यहाँ पे देखा जाए तो 80 पैसे तक नजर आई, पर जो स्ट्रक्चर में जो तेजी यहाँ पे देखने को मिली वो 90 पैसे तक यहाँ पे देखने को मिली। मैंने आप लोग को दोस्तों कल का जो ऑर्डर बुक देखने के बजाय बाद में आप लोग को बताया था कि कल का जो ऑर्डर बुक था वो दोस्तों ऑलरेडी बड़ा देखने को मिला था मार्केट एंड क्लोजिंग के वक्त। दोस्तों और भी ज्यादा बड़ा ऑर्डर बुक यहां पे देखने को मिला था, इस वजह से शेयर में अच्छी खासी उछाल यहां पे देखने को मिली। मार्केट में तेजी अच्छी खासी यहां पे बनती हुई नजर आई, और यहां पे देखा जाए तो आज जो है 90 पैसे पर मार्केट यहां पे क्लोज होता हुआ नजर आया। पर कल दोस्तों अगर मैं आप लोग को बताऊं कि फिलहाल के टाइम जो है कल 1 रुपये तक के शेयर में जो है उछाल आप लोग को देखने को मिलने वाली है। कल 1 रुपये जो मार्केट का कल हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे रहने वाला है, और 95 पैसे तक की जो है मार्केट क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे रह सकती है। क्योंकि दोस्तों आज भी जो है बड़ा ऑर्डर बुक ऑलरेडी देखने को मिला है, बड़ी जो बाइंग क्वांटिटी है शेयर की आज होल्डिंग पर यहाँ पे देखने को मिली है। तो स्ट्रक्चर में दोस्तों जो बदलाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ यहाँ पे नजर आया है, और फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट कैप है दोस्तों वो बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से दोस्तों कंपनी की जो ईडी रेट की जो रिपोर्ट यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिली है, तब से वापस लगातार जो स्ट्रक्चर में बदलाव जो है वो बड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है। अब कमेंट से देखने को मिल रहा है कि कल जो जिस प्रकार की जो रिकवरी है वो अच्छा खासा अपर सर्किट में देखने को मिलेगा, और अब जो कंपनी जो है कर्ज मुक्ति किस टाइम तक यहाँ पे हो सकती है। दोस्तों मैं फिलहाल के टाइम आप लोग को बताऊं कि कंपनी जो कर्ज मुक्ति का जो वर्क टाइम है उसमें थोड़ा भी टाइम ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड करना पड़ सकता है। अगर मैं बताऊँ टाइमिंग तो लगभग जो रहेगा दोस्तों 8 से 10 महीने के बीच कंपनी का जो है टारगेट, अगर यहाँ पे जिस प्रकार का लेकर हम चले, जिस प्रकार की तेजी अभी टाइम चल रही है, जिस प्रकार अभी टाइम जो ऑर्डर बुक पे जो बाइंग ऑर्डर देखने को नजर आया, तो इस प्रकार की अगर बाइंग क्वांटिटी लगातार कंटिन्यूसली 8 से 10 महीने अगर यहाँ पे चलती है, तब दोस्तों कंपनी में अच्छा खासा जो इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, मार्केट कैप में बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और कंपनी की सेल्स में ग्रोथ यहाँ पे नजर आएगी। सेल्स में दोस्तों अगर ग्रोथ यहाँ पे नजर आएगी और कंपनी का फंडामेंटल में दोस्तों आंतरिक जो स्ट्रक्चर में अगर बदलाव यहाँ पे आता है तो कंपनी जो है इसी प्रकार जो है धीरे धीरे यहाँ पे कर्ज मुक्त होती हुई नजर आ सकती है। अभी के टाइम यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में दोस्तों जो कर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों लगभग कंपनी को 5,000+ का जो है कर्ज यहाँ पे देखने को मिलने वाला, 5,000 करोड़ के प्लस यहाँ पे। जी हाँ, फिलहाल जो है कल जो तेजी अच्छी खासी देखने को मिलने का जो 100% चांसेस जो है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। जो 60 का जो संख्या था वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अभी टाइम निकल के आ रहा है। फिलहाल रिकमेंड करूँगा जितना हो सके दोस्तों अभी टाइम होल्ड यहाँ पे रख सकते हैं, अच्छी खासी जो तेजी है क्वांटिटी में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। फिलहाल दोस्तों बेसिक जानकारी को और बेसिक फंडामेंटली को आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ। उससे पहले बता दो, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। और दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि जो ऑर्डर बुक है वो एक बार फिर से आज बढ़ा यहाँ पर नजर आया। सबसे पहले कारोबार देखा जाए 2,36,24,376 शेयर का आज के इंट्राडे में नजर आया, साथ ही साथ जो बाइंग क्वांटिटी आज के इंट्राडे में नजर आई वो 4,25,570 शेयर की आज के इंट्राडे में नजर आई। उसी के विपरीत अगर यहाँ पे इंपैक्ट स्टॉक अगर यहाँ पे देखी जाए तो 2.61 की पिछले वाली रहने वाली है, और आज का जो ट्रेड वैल्यू देखने को मिला वो दोस्तों काफ़ी बड़ा यहाँ पर ट्रेड वैल्यू नजर आया। देखे तो दोस्तों वो यहाँ पर रहने वाला है 200 लाख का जो यहाँ पर रहने वाला है, और टोटल मार्केट के अगर भी टाइम यहाँ पर देखा जाए तो 1,14,039 लाख का जो है टोटल मार्केट कैप अभी के टाइम ऑलरेडी हो चुका है। और प्राइस ब्रांड की अगर बात की जाए तो 20 रुपये की प्राइस बैंड आप लोगों को नजर आएगी, और 52 हाईएस्ट वीक में 1.80 रुपये, और उसी के विपरीत अगर 52 लो वीक में बात की जाए तो 60 पैसे की यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलने वाली है। फिलहाल जितना दोस्तों रिकमेंडेशन वही रहने वाली कि जितना हो सके अभी टाइम होल्ड यहाँ पे बना सकते हैं। सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे देखा जाए तो 29.5 का आप लोग को नजर आएगा। अप्लाइकेबल मार्जिन रेट अगर यहाँ पे देखा जाए तो 33% की पॉजिटिव तेजी यहाँ पे देखने को मिली। फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में जो सेक्टर में अगर यहाँ पे देखे जाए तो वहाँ पे तेजी देखने को मिली, पर इंडियन मार्केट में दोस्तों गिरावट बड़ी नेगेटिविटी के साथ यहाँ पे देखने को मिली। जितना हो सके दोस्तों अभी टाइम बाइंग ऑर्डर जो है वो यहाँ पे बड़ा ऑर्डर आने वाला है, और लगातार जो इस प्रकार की तेजी यहाँ पे नजर आ रही है, तो इसी वजह से दोस्तों आज 77.80% की जो बड़ी डिलीवरी शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे उठाई है। तो दोस्तों संकेत जो है कल बड़ा यहाँ पर तेज अपर सर्किट है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला, कम से कम दोस्तों मैं आप लोग को बताऊँ तो 8 से 10% का जो है मल्टीपल जो रिटर्न है वो एक बार कल फिर से आप लोग को अच्छी खासी देखने को तेजी में नजर आएगा। और जो तेजी है वो दोस्तों स्पेसिफिक
कि आप लोग को कल हाईएस्ट पर देखने को मिलने वाली है। तो जितना हो सके दोस्तों अभी टाइम होल्ड या फिर रखें, जितना हो सके दोस्तों बेसब्री के साथ आप लोग को जो है पेशेंस आप लोग को बनाए रखने होंगे, क्योंकि जितना अगर पेशेंस आप बनाओगे दोस्तों प्रॉफिट भी आप लोग को उतना ही पेशेंस के साथ देखने को जितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में और इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, उस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना, और आपकी नज़र में कोई पैनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय दीजिए, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।